मंडी की खबर, और जिसमें आज सबसे पहले बात दिल्ली की आजादपुर मंडी की करते हैं। आजादपुर मंडी में टमाटर का मॉडल प्राइस है 1409 रुपये प्रति क्विंटल। टमाटर के भाव में लगातार यहाँ उतार चढ़ाव बना हुआ है। पिछले एक हफ्ते का रेट देखें तो 5 और 6 सितंबर को टमाटर का रेट 2100 रुपये प्रति क्विंटल के पार था और ये अब काफ़ी गिर चुका है। वहीं भिंडी के भाव में लगातार तेजी देखी जा रही है। गुरुवार को भिंडी का मॉडल प्राइस 2000 रुपये प्रति क्विंटल था। पिछले एक हफ्ते में भिंडी के भाव में 350 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी देखी गई है। आजादपुर मंडी में रॉयल डिलीशियस सेब का रेट 5675 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि चीकू का रेट है 3667 रुपये प्रति क्विंटल। चीकू के दामों में भी लगातार तेजी बनी हुई है और पिछले एक हफ्ते में चीकू के दामों में करीब 800 रुपये की तेजी भी देखी गई है। इसके बाद यूपी की मंडियों की बात करें तो यहाँ इटावा मंडी में गेहूं का रेट 1640 रुपये प्रति क्विंटल, चावल का रेट 2260 रुपये प्रति क्विंटल है। और वहीं बिहार की हाजीपुर मंडी में मक्के का रेट 1560 रुपये प्रति क्विंटल है, धान का रेट 1580 रुपये प्रति क्विंटल है। गुजरात की मंडियों की बात करें, अब राजकोट मंडी में नरमा बीटी कॉटन का मॉडल प्राइस है 5725 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों का रेट है 3625 रुपये प्रति क्विंटल। राजकोट मंडी में सरसों के दामों में पिछले एक हफ्ते में 350 रुपये प्रति क्विंटल की कमी आई है। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ की ऊना मंडी में सेब का रेट 6250 रुपये प्रति क्विंटल है, वहीं शिमला मिर्च का 3500 रुपये प्रति क्विंटल रेट चल रहा है। शिमला मिर्च के दामों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। वहीं राजस्थान की राजस्मंद मंडी में ज्वार का भाव 1825 रुपये प्रति क्विंटल है, ग्वार का भाव 3250 रुपये क्विंटल पर स्थिर बना हुआ है।